हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये जो लेजिस्लेशन, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन चैप्टर चल रहा है एनवायरमेंटल साइंस का, तो उसी का ये नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये मोस्टली EIA के नाम से आता है। तो EIA की फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद रखनी है सभी को। तो ये इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन। तो पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन से समझ रहे होंगे कि जो भी ये जो EIA एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं कि जो भारत सरकार है हमारी, उसमें जो पर्यावरण हो गया, मतलब एनवायरनमेंट हो गया या फॉरेस्ट हो गया, तो उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो है एक मंत्रालय की स्थापना की गई थी, मंत्रालय को स्टेबलाइज किया गया था। तो उसी के अंडर ही ये EIA प्रोसेस आती है, जिसमें क्या होता है कि जो कुछ डेवलपमेंट प्रपोजल्स, जो प्रोजेक्ट होते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे इंडस्ट्रीज़ का लगना या टेक्नोलॉजीज़, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ हो गए या फिर किसी भी तरीके की फैक्ट्री, कंपनी या कुछ भी, कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो बनता है अगर किसी एरिया में, तो उसका पहले पूरा मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट किया जाता है उस पूरे एरिया का, कि उस डेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उससे एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। तो जो अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं तो क्यों उसको जो है किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको प्रेडिक्ट करना और इवेलुएट करना, मिटिगेशन मतलब उसका जो है जो भी मतलब प्रॉब्लम्स जो निकल रही हैं उनको किस तरीके से उनको सॉल्यूशन उनका करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। तो डेफिनेशन दी हुई है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, इवेलुएटिंग एंड मिटिगेशन द बायोफिजिकल, सोशल एंड अदर रेलिवेंट इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रपोजल्स। डेवलपमेंट प्रपोजल से मतलब है कि जो भी डेवलपमेंट की, जो भी चाहे वो इंडस्ट्रीज हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो उससे रिलेटेड है। प्रायर टू मेजर डिसीजन मेकिंग टेकन एंड कमिटमेंट मेड इज कॉल्ड एज EIA। मतलब किसी विकास परियोजना के बारे में कोई भी जो निर्णय लिया जाता है, मतलब डिसीजन लिया जाता है, तो उसको पहले उसको ऑर्डर, उसको आश्वासन देने से पहले क्या करते हैं कि उसके बायोफिजिकल मतलब जैव भौतिक, सोशल मतलब सामाजिक, और जो भी मतलब इफ़ेक्ट पड़ रहे होते हैं एनवायरनमेंट में, तो उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब पहचाना जाता है। प्रिडिक्टिंग मतलब उनकी भविष्यवाणी की जाती है, उनको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। इवेलुएटिंग मतलब आकलन करना, उनको उनका आकलन किया जाता है। और मिटिगेशन मतलब उनका शमन करना, मतलब उनको जो है कंट्रोल करना, उनको ख़त्म करना जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन सब सारी जो ये प्रोसेस आ रही हैं जिसके अंडर यानी कि जिसके अंतर्गत आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम EIA यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसके मतलब किस तरीके से EIA किया जाता है, मतलब असेसमेंट किस तरीके से करते हैं, तो उसके मेथड्स हैं वो मैं बताती हूँ आपको। तो मेथडोलॉजी ऑफ EIA मतलब EIA की क्रियाविधि किस तरीके से EIA किया जाता है, तो सबसे पहले करते हैं इनिशियल स्क्रीनिंग यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं प्रारंभिक छानबीन। तो इनिशियल स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि सबसे पहले मतलब जो भी प्रोजेक्ट चलने वाला है, जिस प्रोजेक्ट के लिए परमिशन लेनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले सारा जो है स्क्रीनिंग की जाती है, मतलब छानबीन की जाती है। छानबीन इस तरीके से करते हैं कि पहले पता करते हैं कि वाकई में असेसमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है, मतलब जो प्रोजेक्ट चलने वाला है उसका कोई इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये इनिशियल स्क्रीनिंग करके पता किया जाता है कि असेसमेंट आगे बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है, तो असेसमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इनिशियल स्क्रीनिंग में जो है इनिशियल स्टेज पर सारी जानकारी कलेक्ट की जाती है, उससे जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चलने वाला है उसके रिगार्डिंग, तो सारी जो है इनिशियल स्क्रीनिंग, प्रारंभिक छानबीन कर ली जाती है। और प्रारंभिक छानबीन करने के बाद किया जाता है रैपिड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो रैपिड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है,
तो रैपिड असेसमेंट तब किया जाता है जब ऐसा लगता है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पे कोई मतलब इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसी दशा में, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि रैपिड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, जिसमें जो है जल्दी जल्दी सारी जानकारियाँ जो होती हैं सब कलेक्ट की जाती हैं कि क्या क्या जो है इफ़ेक्ट पड़ सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें रैपिड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में किया जाता है, या फिर इसको हम हिंदी में विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सॉरी तीव्र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भी कहते हैं इसको। थर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब होता है विस्तृत पर्यावरणीय इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव मूल्यांकन। तो यहाँ पे जैसे ये रैपिड इन्वायरमेंटल में मतलब जब ये पता चलता है कि हाँ इस जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो विकास परियोजना है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है, कोई पड़ सकता है, तो रैपिड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। उसके बाद जो है कॉम्प्रिहेंसिव में विस्तार पूर्वक, मतलब जो जानकारी जो है वो एक्स्ट्रा, मतलब सारी चीज़ें जो है बढ़ा के, सारी जो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट की जाती है इसमें। तो इसके अंदर कई सारे स्टेप्स आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। तो इसमें क्या है, सबसे पहले बेस लाइन डेटा तैयार किया जाता है। तो बेस लाइन डेटा तैयार करने के लिए क्या करते हैं कि जिस भी एरिया में जो प्रोजेक्ट लगने वाला होता है उस एरिया का पहले पूरा इन्वायरमेंट देखा जाता है, वहाँ की जो मतलब पॉपुलेशन है पॉपुलेशन को देखते हैं, वहाँ पे जो एजुकेशन है, वहाँ पे कितना मतलब जो डेथ रेट है, बर्थ रेट है, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो बेस लाइन डेटा में तैयार की जाती हैं। तो वहाँ पे सारा जिस एरिया में प्रोजेक्ट तैयार होने वाला है तो वहाँ पे पहले सारी जो बेसलाइन इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद करते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट, इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन मतलब प्रभावों की पहचान। तो ये इसमें इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं कि जब मतलब ये आइडेंटिफाई किया जाता है, ये पहचान की जाती है कि जब परियोजना चालू हो जाएगी, यानी कि जब प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो फिर क्या इन्वायरमेंट पे उसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो वो पहले से ही जो जो इफ़ेक्ट पड़ने वाले होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। थर्ड है इम्पैक्ट प्रिडिक्शन। इम्पैक्ट प्रिडिक्शन का मतलब प्रभावों का पूर्वानुमान। पूर्वानुमान से मतलब है एक तरीके से भविष्यवाणी करना। तो इसमें जो है क्या करते हैं कि जो चालू होने वाली परियोजना है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या क्या मतलब आगे फ्यूचर में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, उस एरिया में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, क्षेत्र में, तो वो सारा प्रिडिक्शन जो है वो इसमें किया जाता है इम्पैक्ट प्रिडिक्शन में। उसके बाद है इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। इम्पैक्ट इवैल्यूएशन का मतलब है प्रभावों का मूल्यांकन करना। तो प्रभावों का मूल्यांकन से मतलब ये है कि जब मतलब यहाँ पे जो परियोजना मतलब जो डेवलपमेंट होने वाला है, प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होने वाला है, तो उसमें क्या क्या मतलब इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें जो चालू होने के बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ना है, सब कुछ जो है वो इवेल्यूएट किया जाता है, यहाँ पे उसका मूल्यांकन किया जाता है। के बाद आता है मॉनिटरिंग एंड मिटिगेटिव मेजर ऑफ प्लान, मतलब योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं शमक उपाय। तो क्या करते हैं कि जो भी परियोजना चालू होने वाली है उस पे उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग मतलब पर्यवेक्षण करते हैं उसकी, मतलब पूरी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होती है सब उसको कलेक्ट किया जाता है, सारी उसकी जांच की जाती है, और क्या क्या उस परियोजना से क्या क्या इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ने वाला है वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। और मिटिगेटिव मेज़र मतलब मिटिगेशन का मतलब होता है कि जो इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं उनको किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं, तो उनके सॉल्यूशन भी निकाले जाते हैं। तो मॉनिटरिंग और मिटिगेशन में यही करते हैं कि सारा जो भी यहाँ तक जो जानकारी कलेक्ट की गई है उसको आप पर्यवेक्षण करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं उसकी, और उसके बाद जो जो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं इन्वायरमेंट पे, जो जो प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके निगेटिव प्रभाव जो पड़ रहे हैं, तो उनका शमन करने के उपाय भी ढूंढे जाते हैं। उसके बाद करते हैं इन्फॉर्मिंग द सोसाइटी एंड डिसीजन मेकर। तो यानी कि जो जो चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट की गई हैं, इनकी मॉनिटरिंग की गई है, उनके क्या क्या उपाय ढूंढे गए हैं, तो जो सारी जानकारी यहाँ पे कलेक्ट की गई है वो बाद में जो मतलब मंत्रालय बनाया गया है वहाँ पे जो डिसीज़न मेकर्स होते हैं, जो सोसाइटी होती है, उनको सारी जानकारी कलेक्ट करके इन्फॉर्म करके इन्फॉर्म की जाती है
और फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है EIA के बाद कि वो परियोजना आगे चलाने लायक है या नहीं है। तो ये तो थे EIA के मैथडोलॉजी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।